हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। जो मेकअप लुक आप देख रहे हैं, इसको मैंने केवल 5 प्रोडक्ट यूज़ करके क्रिएट किया हुआ है। आई होप ये आप लोगों को पसंद आए। गाइज, अगर आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये फ्री है। सो ज़्यादा बातें ना करती हूँ, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है मेकअप पिप प्लस प्रेप मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसे आप एज अ मेकअप प्राइमर यूज़ कर सकते हो। तो इसको लगा के अच्छे से मैं मेरी स्किन में ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इफ़ यू गाइज वांट सो यू कैन बाई इट। इसके बाद मैं यूज़ करी हूँ यह ग्लैम 21 का प्राइमर प्लस फाउंडेशन। स्किन बेस है, इसमें आपको एक साइड में प्राइमर एक साइड में फाउंडेशन मिल जाता है। प्राइमर सिलिकॉन बेस है, तो इससे आपके पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे और आपका बेस काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा। फाउंडेशन उतनी गुड क्वालिटी का नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेवल फ्रेंडली है, तो अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। गुड क्वालिटी इन द सेंस कि उतना ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता, आपको लाइट कवरेज देता है। और इसके जितने शेड हैं वो सारे जो है लाइट स्किन वालों के लिए ही हैं। तो ये मेरी स्किन से आप देख सकते हैं 2-3 शेड लाइट है, बट मैं इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। मेकअप चैलेंज था, तो इसमें एक साइड प्राइमर एक साइड फाउंडेशन था, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ, यह है रियल टेक्निक का। आप लोग अक्सर पूछते हो, तो इसलिए मैं मेंशन कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, ताकि कोई ड्राई पैचेज ना रहे, मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो। समर है तो ब्लेंडिंग का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो कुछ टाइम बाद ड्राई पैचेज आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रूट कॉस्मेटिक का आई शेडो पैलेट, बुक नंबर 3 फेरी एंड टेल आई शेडो पैलेट है। इसमें आपको देख सकते हैं कि काफ़ी प्यारे प्यारे न्यूड शेड, लाइट शेड सारे मिल जाते हैं, डार्क शेड भी हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से लाइट ब्राउन शेड पिक किया अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए। ब्रश यूज़ कर रही हूँ, यह रियल टेक्निक का एंगुलर ब्रश। इसे आप इस ब्रश को आईब्रो फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऑरेंजिस शेड में था वो शेड पिक किया। ब्रश यूज़ करूँ मैं यहाँ पर, ये है रियल टेक्निक का ब्लेंडिंग ब्रश। आई स्टार्टर किट में इसमें है ये ब्रश, तो इसकी हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि आपका आई शेडो अच्छा लगे, तो हमेशा उसकी ब्लेंडिंग का ध्यान रखना चाहिए। आई शेडो हमेशा अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए। फिर यहाँ से मैंने ये वाला शेड पिक किया है। ब्लैक शेड नहीं है गाइज, ये डार्क बैगनी शेड में है, और इसमें जो सिमर है ना काफ़ी अच्छी तरीके से शाइन करते हैं। और जब भी आप कुछ स्मोकी टाइप का आई शेडो लगा रहे हैं, तो आपको ब्रश का हमेशा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मैंने हमेशा हमेशा कई बार यूज़ कर दिया, अब नहीं करूँगी। तो आपको एक ऐसा ब्रश लेना चाहिए जो फ्लैट, स्मॉल फ्लैट ब्रश हो। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर स्मॉल फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, और ये सेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी आप इस तरीके से आई मेकअप कीजिए, आप बोल रहे थे कि दी कुछ इस तरीके से आई मेकअप कीजिए विथ रेड लिप्स। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है आप लोगों के कहने पे। आप लोगों को ये लुक कैसा लगा बताइएगा। 5 प्रोडक्ट मेकअप चैलेंज आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रही हूँ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए, आपको मेरा चैलेंज अच्छा लगा, तो मेक श्योर इसे लाइक कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन हाँ आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, हमारे अंदर और भी कुछ अच्छा करने का ना एक जुनून सा आता है कि हाँ लोग लाइक कर रहे हैं, तो हमें और अच्छा करना चाहिए, हमें और अच्छा करना चाहिए। तो गाइज लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ से ब्राउन शेड पिक किया, अपनी आईज़ के नीचे स्मज कर लूँगी, ताकि जो मैंने स्मोकी लुक दिया है ना वो थोड़ा अच्छे से दिखाई दिए। और कुछ इस तरीके से लगाने पे आप देखेंगे कि आईज़ का लुक ही चेंज हो जाता है। आई लव स्मोकी लुक गाइज, मुझे स्मोकी आईज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आप में से कितने लोगों को स्मोकी लुक पसंद है बताइएगा। अब मैंने एक आप देख सकते हैं स्मॉल फ्लैट ब्रश लिया, उस पर थोड़ा सा मेकअप सेटिंग स्प्रे डाला, फिर मैंने गोल्डन शेड पिक किया है, ताकि मैं अपनी इनर आईज़ पे लगा सकूं, अपनी आईज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर पाऊं। अब मैंने यहाँ से एक छोटा सा ब्रश लिया, यहाँ से गोल्डन शेड पिक किया, एज अ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। और इस पैलेट में आपको हाईलाइटर से लेके काफ़ी प्यारे प्यारे शेड मिल जाते हैं आई शेडो पैलेट में। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हाइलाइटर हो या फिर काफ़ी कुछ प्रोडक्ट हो, नहीं, जो प्रोडक्ट है हम उसी से कस्टमाइज करके अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाना होता है, तो बस मुझे जहाँ जहाँ हाइलाइट की ज़रूरत है मैं वहाँ वहाँ लगा ले रही हूँ। इन दिनों मैं ग्लॉसी मेकअप नहीं कर रही हूँ, और आप लोग मेरा ग्लॉसी ग्लोई लुक मिस कर रहे हो। कितने लोग मिस कर रहे हो कमेंट कीजिए, कितने लोग चाहते हैं कि मैं मेरा ग्लॉसी मेकअप क्रिएट करूँ, ग्लोई मेकअप लुक आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँ, कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर करूँगी। अब तो मैं वापस आ गई हूँ, और हाँ नेक्स्ट वीडियो आएगा कि गिव अवे के ऊपर कि कौन कौन है विनर। यहाँ पर मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है, ये है
किस ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक प्लस लिप लाइनर, यहाँ पर शेड नंबर #5 यूज़ किया है मैंने, 5 हैशटैग है, गलत मैंने प्रोनाउंस कर दिया, #5 हैशटैग है शेड नंबर, इसमें लिप लाइनर भी है, लिप लाइनर काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आउटलाइन कर रही हूँ, आप देख सकते हो, ताकि जो मेरी रेड लिपस्टिक है वो थोड़ा सा भी बाहर ना जाए। आप लोगों को पता ही है कि अगर हम कोई न्यूड लिपस्टिक लगाते हैं तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रेड लिपस्टिक लगा रहे हैं थोड़ी सी मिस्टेक हो तो पूरा मेकअप ख़राब करके रख देती है। तो इसलिए आउटलाइन करना ज़रूरी है। 5 प्रोडक्ट मेरा था ये आईलैसेस, बिना आईलैसेस मेकअप इनकम्प्लीट लगता है जब आप स्मोकी लुक करते हो। इसके बाद मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे लगा लिया। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, सी यू सून।